अरे देखो पंजाब से बहुत तादाद के अंदर यहाँ किसान आए हुए हैं और ये बहुत तादाद के अंदर जो एक हरी पगड़ी बांधकर ये हरा प्रदेश कहते हैं जिसे, लेकिन आज जो ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हुए, आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या मांग है। सर आपका नाम? मेरा नाम इकबाल सिंह, मैं पंजाब से हूँ। हमारे यहाँ 184 किसान जो संगठन है बक बक स्टेटस से जुड़े हैं। हमारी दो मांगे मेन है कि जो किसानों का कर्ज है उस पर सरकार ने वादा भी किया था मोदी जी ने कि उस पर लीक मारें, और जो किसान की फसलें हैं उनका जो भाव है स्वामीनाथन की रिपोर्ट से लागू किया जाए, किसानों को लाहेबंद भाव दिए जाएं। हमारी दोनों मांगों पे अब यहाँ जो संगठन जुड़ा है ये दो रोज चलेगा। सर स्वामीनाथन की क्या रिपोर्ट है जिसको आप वो लागू करवाना चाहते हैं? स्वामीनाथन की रिपोर्ट यह है कि जो किसान का खर्च होता है उससे दो गुना बढ़ाकर उसको भाव दिया जाए, तभी किसान के पल्ले कुछ पड़ता है, लेकिन नहीं तो खेती लाहेबंद धंधा नहीं रहा है, खेती घाटे में जा रहा है, किसान दिन पर दिन खुदकुशियाँ कर रहे हैं। जबकि मोदी जी ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू जरूर करेंगे और किसानों की खुदकुशियाँ रोकेंगे, लेकिन 3.5 साल में खुदकुशियाँ 1.5 गुना बढ़ गई हैं। सर आपकी भारत सरकार से क्या डिमांड है? भारत सरकार से यही डिमांड है कि जो किसानों का कर्ज है एक बार उस पर लीक मारी जाए, किसानों से कर्ज से निकाला जाए, और दूसरा जो खेती है उसका लाहेबंद भाव दिया जाए, तभी किसान बच सकता है। सर वो मोदी जी और ये भारत सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसके बावजूद किसानों को देश का अन्नदाता माना जाता है, और उनका क्या किसानों का विकास नहीं हो रहा है? बिल्कुल विकास नहीं हो रहा, उनकी बातों में ही विकास हो रहा है, लेकिन जो बोलते हैं कि किसानों का विकास हो रहा है लेकिन किसानों का विकास नहीं, किसानों का तो नवास हो रहा है, विकास नहीं नाश हो रहा है मोदी जी की सरकार में।